हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे गट्टे की सब्जी। तो हम उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैंने यहाँ पे एक बोल में 2 कटोरी बेसन लिया है और उसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक। अभी हम गट्टे बना रहे हैं और गट्टे सॉफ्ट कैसे बनते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड ना बने, इसलिए मैं आज आपको बताऊंगी गट्टे सॉफ्ट कैसे बनते हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाला, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, आधी चम्मच अजवाइन। अजवाइन पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम अजवाइन डालेंगे इसमें। और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। ये वाला जो ऑप्शन है ये लोग नहीं यूज करते हैं, बट मैं इसमें ये डाल रही हूँ क्योंकि इससे गट्टे बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो अब हम इसे थोड़े से पानी से इसको गून लेंगे। तो देखिए ये डो हमारा तैयार हो गया, कितना सॉफ्ट बना ये। तो अब हम इसके गट्टे तैयार करेंगे। बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं, उतने ही रखिए। मैंने एक इसमें पैन में पानी गरम करने के लिए रखा हुआ है, पानी इसमें बॉईल हो गया है और अब हम इसमें गट्टे डाल देंगे। तो ये हमारे गट्टे जो हैं वो बॉईल हो गए हैं और अब हम इन्हें कट कर लेते हैं। देखिए कितने सॉफ्टली ये कट हो रहे हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे कट करके, जिसके लिए मैंने पैन और उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल थोड़ा गर्म हो रहा है, उसके बाद हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। ये हमारे गट्टे कट हो गए हैं, ऑयल जो है वो गरम हो रहा है, हम इन्हें डाल देते हैं। तो हमारे गट्टे जो हैं वो फ्राई हो गए हैं और गट्टे हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और अब हम इनकी इसकी ग्रेवी रेडी करते हैं। तो ग्रेवी के लिए हमें क्या करना है, पैन में जिसमें हमने ये गट्टे फ्राई किए उसी ऑयल को, ये हमारा बच गया था, इसी ऑयल में हम ग्रेवी रेडी करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, हमने 1 तेज पत्ता डालना है, 1 बड़ी इलायची डालनी है, 4 लौंग डालनी है, 1 थोड़ा सा जीरा, 1/2 चम्मच राई। और हमने प्याज और टमाटर की प्यूरी बना ली है, जिसमें हमने 1 बड़ा प्याज और 2 छोटे टमाटर लिए हैं, इसको हमने पीस लिया है। और
और अब हम इसको इसमें ऐड कर लेंगे। प्याज और टमाटर को हम तब तक इसमें भूनेंगे जब तक कि वो लाल ना हो जाए। तो हमारा प्याज और टमाटर है थोड़ा सा फ्राई हो गया है, कलर चेंज हो गया देखिए। अब हम इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। ये भी इसी के साथ भून लेंगे। अच्छा अब हम क्या करेंगे ना, अब हम अपने मसालों को इसमें डायरेक्टली नहीं डालेंगे, उसके लिए थोड़ा सा ट्विस्ट कर रही हूँ मैं। मेरे पास 1 कटोरी दही है, दही भी मैं इसमें ऐड करूँगी, पर मैं दही भी डायरेक्टली ऐड नहीं करूँगी। तो मैं इस दही को थोड़ा सा फेंट के अपने मसाले इसी में ऐड करूँगी। उसके लिए मैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सब्जी मसाला, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड करके इसी में दही के साथ मैं ये मसाले मिक्स कर लूँगी। इससे हमारा दही फटेगा नहीं और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो ये हमारा मसाला जो है वो दही में हमने मिक्स कर लिया और हमारा ये प्याज टमाटर और जिंजर गार्लिक का जो मसाला है ये हमारा बन गया है। ठीक है, बिल्कुल पैन इसमें देखिए छोड़ दिया है। अब हम इसमें फ्लेम बिल्कुल सिम करके ये मसाला ऐड करेंगे और मसाला ऐड करते ही हम चलाते रहेंगे, नहीं तो दही जो है हमारी फट जाएगी। हमने ये मसाला इसमें ऐड किया। तो हम इसे चलाते रहेंगे। आपको ये इसलिए चलाते रहना है क्योंकि दही जो है वो एक जब बहुत तेज फ्लेम और गर्म चीज पे पड़ती है तो वो फट जाती है। वैसे तो हमने इसमें मसाला डाला हुआ है बट फिर भी हमें चलाते रहना है। तो हमारा मसाला जो है ये अच्छे से पक गया है, बिल्कुल कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और हम पानी कौन सा ऐड करेंगे, वही पानी जिसमें हमने अपने गट्टे पकाए थे। तो हमारी अब ग्रेवी तैयार होगी, को हम मिला लेंगे पूरा अच्छे से मसाले को। 4 से 5 मिनट के लिए हमें बस अपनी ग्रेवी को तैयार करने में लगेगा, उसके बाद हम अपने गट्टे इसमें ऐड करेंगे। तो ये हमारी ग्रेवी जो है वो पक गई है, अब हम इसमें अपने गट्टे ऐड करेंगे। ये जो हमने गट्टे फ्राई करके रखे हैं और इसे हम ढक के 3 से 4 मिनट इसे ढक के पकाएंगे ताकि जो गट्टे हैं वो ग्रेवी को सोक कर ले। तो ये हमारी ग्रेवी गट्टों के साथ रेडी है और अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला हम ऊपर से ऐड करेंगे। हमारी गट्टे की सब्जी बिल्कुल रेडी है, हम इसे अब हम निकाल लेंगे।
अब लास्ट में हम क्या करेंगे फ्लेवर ऐड करने के लिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट मैं इसमें क्या करूंगी थोड़ा सा तड़का दूंगी देसी घी का। तो हमने 1 चम्मच देसी घी ऐड किया, इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, कश्मीरी लाल मिर्च कलर देने के लिए। थोड़ा सा जीरा ये स्प्रिंकल होना शुरू होगा तब हम मिर्च ऐड करेंगे। इसमें हम तड़का देंगे, इससे हमारा कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा आने लगेगा। ये देखिए, तो गाइस हमारी गट्टे की सब्जी बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो और रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।